रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है, और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहां से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था, अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊँ। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो, गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें, मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने, जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो, आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहाँ भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाए? मोहित, पूरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने, क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था, आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता ना करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ, पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं,
दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित मोहित, कहां गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो दो लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहाँ से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई है तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है? बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहां आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे और अब पैसे मांग रहे हो, गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूं। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। सारे पैसे दे दिए मुझे और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया? तुम भी तो परेशान हो, मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो, मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहाँ पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी
वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रख कर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य, दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में, और ये संदूक जो वहाँ दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ, इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काट कर प्रधान ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं, और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले, और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि, हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है, और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था, और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ हाँ, वो घिसे पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया, और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी, आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो, ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश, कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी,
मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ, और मुखिया जी व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश, सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए, आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है, एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया, उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता, लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखा पर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से। दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखा पर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश, जरूर तुम्हारा ये गाँव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है
उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश, तुम्हें ये चमत्कारी चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया, और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि, ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था, वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी, सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है, सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं, और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा, और देखो आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं, तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी, क्यों ना आप ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं,
अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश, कौन है आप और मैंने आपको पहचाना नहीं? मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था, उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है, एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गाँव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि किस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।